नमस्कार, आई एम डॉक्टर गुरनीत सिंह साहनी। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई। तो आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए आया हूँ जो बहुत कॉमनली मुझे पूछा जाता है अबाउट एपिलेप्सी सर्जरी। ना, एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा, और उसके बारे में और उसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं लोगों के अंदर। तो उन्होंने तो मुझे बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लोग बोलते हैं, पहला कि एपिलेप्सी सर्जरी ऑपरेशन कब किया जाता है। तो जब हम दो एपिलेप्सी के या मिर्गी के दौरे की दवाइयाँ, दो या तीन दवाइयाँ फुल डोजेस पे लेते हैं और फिर भी कंट्रोल नहीं होता, तो सर्जरी की तरफ हमारी बात बनती है। कौन से टाइप ऑफ सर्जरीज होते हैं? दो तरह के मेनली सर्जरीज होते हैं। एक क्यूरेटिव मतलब क्योर करने के लिए, और दूसरा पैलिएटिव मतलब सिर्फ कंट्रोल करने के। एंड हाउ डू वी डिसाइड दिस? वी डिसाइड बाय डूइंग अ वीडियो EEG, एंड जिसमें पेशेंट को एडमिट करके हम देखते हैं कि फिट्स किस तरफ से आ रहे हैं ब्रेन, और उस जगह को हम ठीक करते हैं MRI स्कैन के साथ कोरिलेट करके। वेर एवर द एपिलेप्सी इज स्टार्टिंग, इफ वी आर गेटिंग दैट एरिया, वी आर एबल टू रिमूव दैट एरिया फ्रॉम द सिस्टम, एंड मिर्गी का दौरा उससे कंट्रोल हो जाता है। अब रिस्क इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। एपिलेप्सी सर्जरी ब्रेन के हिसाब से सेफ सर्जरी है, और क्योर पेशेंट्स का बहुत अच्छा और ज़्यादा होता है। तो बेनिफिट्स इस सर्जरी के बहुत ज़्यादा हैं as compared to the risks involved. Yes, there is, it's a brain surgery, so it will have its own risks, but it is a surgery which can change a life of the patient and of the family. So don't worry if you have epilepsy. It is treatable, it is curable. Thank you.